यार ये कहाँ रह गए शिवम, अभी तक नहीं आया। हाँ बड़ी अच्छी बात बोली तूने, हम तो यहाँ पे गेम खेल रहे हैं ना, हर बारी का है उसका, हर बारी इंतजार करवाता रहता है, पता नहीं घर में क्या कर रहा है, अपनी ऐसी तैसी करा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ एक बार उसे छोड़ के चलते हैं, जब उसे पता चलेगा। उसे ना छोड़ के मनाली चलते, तब उसे पता चलेगा। हाँ यार सही कह रहा है, बर्फ पड़ रही है यहाँ पे तो। हाँ भाई सब जा रहे हैं भाई, रील बनाऊंगे मजे आ जाएंगे। हाँ, मैं वो वाली बनाऊंगी, तुम क्या मिले साड़ी पहन के। अबे चल सपने मत देख। हाँ दोस्तों मैं आ गया तुम्हारा दोस्त दासियम। बड़ी जल्दी आ गए तू है, और तू इतना फुर्तीला क्यों रखा, क्या करके आया? अरे यार खेलना नहीं है क्या, एनर्जी तो होनी चाहिए ना शरीर में, तो एनर्जी फुल है मेरे अंदर, चलो खेलने चलते हैं। मुझे लगा कुछ और करके आया है। चुप कर। कुछ और का क्या मतलब है, नहा के थोड़ी आया हूँ। चार दिन हो गए नहाए हुए, ठंड हो रही है इसलिए नहीं आया। चलो चलते हैं। हाँ चलो जल्दी चलो फटाफट, क्या खेलेंगे ये बताओ भाई। आज खेलेंगे गुल्ली और डंडा, उसके बाद देखेंगे कोई और गेम। अरे चल आज खेलेंगे कंचे। ये कर दी ना मर्द वाली बात, कंचे खेलेंगे। चलो आ जा कोमल। अभी रुको, वापस बैठो। ये हुआ। अरे तुम लोग पागल हो क्या, हर बारी खेलने 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 की बातें करते रहते हो, मुझे और नहीं खेलना है। नाचते आज गाज, मैं क्या कह रहा हूँ, आज डांस क्लास लेके आता कहीं से और फटाफट से नाच के दिखाता कोमल, वो क्या बोलता है कथक करेगा तो कथक, मैं करूँ हिप हॉप। चुप कर जाना, फालतू की बातें कर रहा है। भाई मैंने नाचने के लिए गाने के लिए खेलने के लिए नहीं बोला, देखो मैं ना हर बार ये खेल कूद के ना बोर हो चुकी हूँ, इस बार कुछ डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं, कहीं चलते हैं ना। देखो क्लियर बता देती हूँ जो मैं चाहती हूँ, ठीक है भाई। मैं जो चाहती हूँ ना, मैं ये चाहती हूँ कि इस बार हम ना खेले ना कूदे, बल्कि हम कहीं चलते ना घूमने वीकेंड पे। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया भाई कोमल की बात सुन के, बताऊं तुम कहो तो। बता। गैस करो, तुम लोग गैस करो, मैं क्या सोच रहा हूँ, सोचो बहुत अच्छी चीज सोच रहा हूँ। मैं समझ गया। क्या भाई? भाई वो मदर डेयरी वाली प्लॉट की चार दीवारी होगी ना, उसके अंदर खेलेंगे। अरे नहीं यार, डेयरी के सामने वाले प्लॉट की दिख रहा तू, तू तो समझ गया होगा, तू तो मेरा भाई है ना। मैं समझ गया ना, पीछे नए वाला पार्क बना, वहाँ खेलने जा रहा ना तू। यार तुम सारे के सारे क्यों इतने झाइल गवार हो, तेरे से तो क्या ही पूछूं। देखो मैं तुम्हें बता दूं क्या सोच रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं, दिख रहा याद है अपना फूफा का होटल। अबे होटल थोड़ी है वो, फार्म हाउस। अरे हाँ वही फार्म हाउस जो नया खुलवाया भी फूफा ने, और फूफा है फरार गए वो बैंकॉक में मसाज कराने के लिए। अबे तो एक काम करते हैं ना, हमारे फूफा के यहाँ पे चलते हैं फार्म हाउस, बहुत तगड़ा फार्म हाउस है कोमल, तू देखेगी ना तो बोलेगी तो जन्नत है, हवेली एक नंबर की, और वहाँ पे फुल एंजॉय करेंगे जो तू बोल रही ना, गेम वगैरह सब खेलेंगे वहाँ पे, पार्क वगैरह, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी वगैरह सब कुछ है वहाँ पे, इतना नहीं स्विमिंग पूल भी है। मुच्ची पक्का पक्का। अरे भाई सर्दी में पूल में थोड़ी नहाएंगे हम। अबे पूल में क्यों नहाना यार, पूरा वो रहा होटल, होटल की बोल रहा हूँ, फार्म हाउस फार्म हाउस फार्म हाउस। तो फिर चले। अबे काम करते हैं, शाम को सारे मिलते हैं, तैयार होना रेडी बढ़िया फर्स्ट क्लास, और अपना थोड़ा थोड़ा सामान लेके आना, और तू ज्यादा मेकअप बंद लेके आइयो, तो चले चलो चलो, चलो। अबे यार ये डीकरों का बच्चा कहाँ रह गया, मेरे को तो बोला गाड़ी के बाहर खड़ा हो जा, और खुद आया नहीं अभी तक, बेवकूफ सामने दो इसको। अरे गाइस तुम लोग आ गए, चले भाई फार्म हाउस पे तेरे फूफा के। चले। अबे चलते तो हैं, डीकर को आने दो, इसका जो मालिक है असली, मतलब जिसपे लाइसेंस है इस गाड़ी का। अबे हम तो तैयार शेयर होके आए थे कि फटाफट से निकलेंगे, और तू यहाँ पे वेट करा रहा है डीकरों का। अरे यार उसका मेकअप खत्म होके नहीं देता यार, ब्लाउज पहन रहा होगा जब आएगा वो। लड़की है क्या भाई वो? अरे भाई हरकत है थोड़ी बहुत, मीठा मीठा, ताली देना चल। चलो भाई चलो चलो। अबे खेत में जा रहा है क्या, बन के आया तू? अबे वो सिट्टू बिट्टू ऊपर देख, ठंड कितनी हो रही है, ओस पड़ रही है, कपड़े मैंने पहने हुए अंदर, गाड़ी में पहनूंगा बाकी कपड़े, चल अब। अबे यार इसको जब भी कहीं ले जाने का जी नहीं करता, देखिए कैसा बन के आया ये। भाई उसकी उम्र ज्यादा है ना, तो उसे ठंड ज्यादा लगती है। हाँ बूढ़ा होगा। अबे चौकीदार से मेरे से ना गैप बना के रखियो, हानी तो मेरी बेइज्जती करा देगा जो मेरे साथ चलेगा। अरे तो वेट किस चीज का है, जल्दी चलो ना फूफा आगे फार्म हाउस पे। ये बच गई खड्डे में घुस जाती। अरे बच गई ना, चुप कर, ध्यान से चला भाई, बिना बताए आया घर से। हाँ बूढ़ा हो गया ना, चलाई नहीं जाती। अबे यार तेरे को गाड़ी चलाने नहीं आ रही, काम कर तू मेरे को दे, तू इधर आ। हाँ तो शिवम को दे दे, मैं अच्छी चलाऊंगा कोमल बेटा। हो
अरे भाई ये देख रहे हो क्या क्या कर दिया तूने ये? वो मैंने नहीं, तूने करा ये सब? ओए मैंने क्या करा, मैं तो तेरे को बोल रहा था ना कि मेरे को गाड़ी चलाने दे, क्यों नहीं चलाने दे रहा? अबे जब तेरे पे लाइसेंस नहीं है गाड़ी में तेरे को क्यों दूंगा? और स्टीयरिंग कौन करता है ऐसे ऐसे? जब भी ठुकाइए, मेरी गलती नहीं है, मैं मत बोल। अबे बोलूंगा क्यों नहीं, एक तो गाड़ी चलानी नहीं आती, ऊपर से मेरे को बोले जा रहा है टेढ़ी मेढ़ी तो गाड़ी चला रहा है। अरे चुप करो यार तुम लोग, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आपस में बहस कर रहे हो, इस आदमी को चेक तो करो, इसकी सांसें चल रही है या नहीं, एक बार चेक करो यार प्लीज, इसमें जाना है या नहीं? मैं देख क्या? ओ नहीं सिट्टू, तू कहीं नहीं जाएगा। अबे भाई इसको ऐसे ही छोड़ देंगे क्या तड़पता? अबे ओ सही कह रहा शिवम, अगर तेरे फिंगरप्रिंट उस पे आ गए ना तो पुलिस वाले हमें पकड़ लेंगे। अबे एक काम करते हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, हम ना इसे एम्बुलेंस कॉल करते हैं, बुलाते हैं किसको, हॉस्पिटल वालों को। ओए मेरी कोमल मेरी बात ध्यान से सुन, देख आसपास अभी कोई भी नहीं है और हमने इसको ठोक दिया है, हम फंस जाएंगे यार, तू नहीं समझ रही यार, तुम लोग समझो ना थोड़ी सी, हमारी गाड़ी है, हमारे पापा हमको जान से मार डालेंगे अगर पता लग गया हमने किसी को ठोक दिया, और मैं नहीं चाहता इस हालत में डीगरों को फांसी हो। अरे यार तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो, सिट्टू इसको अंदर ले चल, चल चल गाड़ी चला रहा हूं। ओए ओए क्या गाड़ी चला रहा है, तेरी वजह से एक्सीडेंट हुआ ना, चल साइड में बैठ, चल। फाइनली हमारे फूफा का रिजोर्ट आ गया। अबे देख रहे यार कितना लग्जरी लग रहा है यार ये। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है ये कोई सेट है, मूवी का सेट, इसमें भी कोई शूटिंग होने वाली है, हमारी कोई मूवी सी आने वाली है। सही कहा भाई, मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर बाहर से इतना बढ़िया है तो अंदर से कैसा होगा? अंदर से तो भाई फुल लग्जरी होगा, मजा आ जाएगा। और भाई इतना ही नहीं, इसी घास देखना कितनी गद्देदार है। भाई ऐसा लग रहा है मैं तो मिक्की माउस पे कूद रहा हूँ। तो भाई घास गद्दमदार क्यों नहीं होगी, फूफा ने पैसे लगा रखे घास में, अंधा पैसा भाई। पैसा ही कह दे फूफा का। यार एक बात बताओ, तुम दोनों इतना चिल कैसे हो सकते हो? तुम्हें याद नहीं रात को क्या हुआ था हमारे साथ? रात नकी हो गया तेरी एसिडिटी हुई थी, वो ठीक ना हुई के? अबे वो एक्सीडेंट वाली बात कर रही है। अरे यार कोमल तेरे को हम कितनी बार समझाए, देख कोमल मेरी बात ध्यान से सुन, वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो हमसे गलती से तो हुआ था, हमको नहीं पता था एक्सीडेंट हो जाएगा, इसकी वजह से हुआ था सारी दिक्कत। मैंने क्या करा? तू ही गाड़ी चला रहा था, मैंने तेरे से कही थी, तूने मेरे को दी क्यों नहीं? अरे यार तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा, हमने किसी का एक्सीडेंट किया है, वो आदमी क्या पता मर गया हो, अगर हम उसे हॉस्पिटल ले जाते या फिर एम्बुलेंस को कॉल कर देते तो उसकी जान बच जाती, हमारी वजह से वो मर जाएगा। अरे ओ कल केंदी, अगर हम गलती से किसी एम्बुलेंस या पुलिस को कॉल करते ना तो हम फंस जाते सारे के सारे, हमारे लेने के देने लग जाते, और अगर पुलिस आ जाती तो हमारे 307 लग जाती मर्डर के, उसमें 100 साल के लिए हम जेल में कैद हो जाते तेरे चक्कर में सिर्फ। वो तो हम बच गए, चिल करने आए हैं। एक तो यार कोमल तू ट्रिप खराब कर रही है, पता है हमारी पूरी ट्रिप, एक तो तू ये चाचा पैपा करती हुई आएगी, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा? अरे कोई ना कोई तो बता ही लेगा यार, जरूरी थोड़ी है, दुनिया में और भी तो लोग होगा, कोई उसकी हेल्प कर देंगे, जरूरी हम ही करें। और क्या कोमल, जस्ट चिल फील। ओए सिट्टू तू ही समझा दे यार कुछ, हमारे तो मानेगी नहीं है, तेरी बेस्ट फ्रेंड है। कोमल कुछ ना होता, चल मजे करेंगे भीतर, चलो भाई बेर। गुड 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 गुड। ओ भाई फूफा ने तो पैसा फूक रखा, देखना कितना तगड़ा रेस्टोरेंट है, मेरा मतलब है कि फार्म हाउस है। बेटे हल्के में ले रखे हमारे फूफा को तू, है इतना बड़ा फार्म हाउस है उनका। भाई है तो बढ़िया, कुछ भी बोल। आ भाई एक नंबर का चीज है यार, तो भाई यहाँ पे तो हम बिल्कुल अच्छे से चिल पिल कर पाएंगे, क्या बोलती है कोमल? यार तुमने सबकी बातें सेंसलेस है, मतलब बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड है, बट एक चीज बहुत अमेजिंग है वो ये फार्म हाउस है, मतलब सच में बहुत सुंदर है यार, फोटोज भी अच्छी आएंगी, उनका भी अच्छा पिया जाएगा, चिल भी अच्छा होगा और फन भी। फटाफट से ना ये सारे बैग वगैरह पटक देते हैं और आराम से अपना चिल करेंगे। कहाँ जा रहा तू भाई? मेरे को बड़ी तेज नींद आ रही है यार, मैंने पूरी रात गाड़ी चलाई है, देखो मेरे को सोने दो, थोड़ी देर मैं सो के आ जाऊंगा। अब हम ये सोने थोड़ी आए, एंजॉय करने आए ना।
माना क्या तेरा गाड़ी का? अबे भाई वो गाड़ी ऑटोमेटिक है, समझा? ऐसे कैसे थक जाएगा तू? एक पैर से चलती है। ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा था ना, तुम तीन तो नहीं बैठे, तो मैं थक गया तो मैं थक गया। अगर तुम बैठे होते तो तुम भी थक जाते। मेरे आगे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, मैं नींद आ रही है, मैं नींद से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। अरे नींद के बाद कर लेंगे ना चिल पिल, जो भी अपना तुम कर लो। इतने दो दिन के लिए अपने घर वालों का पागल बना के मजे ले नहीं तो आया भाई, सोने थोड़ी आया है, सो तो घर पे भी जाते। अरे शिवम, अरे शिवम, शिवम बच्चा है क्या 2 साल का? कैसा भाई है तेरा? हंसी आनी तो फालतू की चाचा पैप है। अरे यार पूरी रात गाड़ी चलाई यार, मैं इनको शर्म नहीं आ रही का बिल्कुल भी। यूं नहीं जाके पड़ जाइए अभी, चिल की बात है यार, रात को कर लेंगे, अभी सो जाएंगे थोड़े, चिल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं रहेगी इस चीज में। ओ माय गॉड, फूफा ने तो नाश करवा रखा है। तो कौन है यहाँ पे? ओ भाई डर लग रहा है, कौन है बता दो। ये पक्का कोमल चीता होगी, इतनी तेज तो वही भाग सकती है ना, क्योंकि वो हाथी जैसी भी है और उसका फुर्तीला शरीर। देख मेरे साथ मजाक करने की जरूरत नहीं है, नींद आ रही है बहुत तेज, समझ में आ गई बात? हाँ नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा अगर परेशान कर दिया तो। ओ होता है ऐसे, मेरा डरता थोड़ी हूं। बना दिया तुम्हारे भाई ने एक नंबर का हुक्का। ये बनेगी एक नंबर की चाय। क्या एक नंबर की चाय और क्या एक नंबर का हुक्का? हम यहाँ क्या करने आए थे? अरे यार हम तो यहाँ पीना आए थे ना, तो ये चाय क्यों पी रहे हैं हम? अरे पी तो लेंगे, पर वो नवाब का ज्यादा कहाँ है? पता नहीं, वो तो सोने गया था, अभी तक वापस नहीं आया, लगता उसकी नींद पूरी नहीं। अरे ये हाथ में लेके क्या आया? ये आ गया क्या? अब ये क्या लिया तू? अरे भाई ये मेरा दोस्त है, और ये पता कब बना? कल रात को। क्या तो ऐसा रहे बोलेगा अभी। हाँ। ओ ये बोलता भी है, ये बोलेगा। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर बुलवा बुलवा इसे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? भाई ये तो टॉकिंग कैट की तरह है। हाँ यार बड़े चीजें तो यार। तुम्हें ना शौक क्यों हो रहे हो? अभी गुट्टा खुद थोड़ी बोल रहा है, जो ये बोल रहा है उसकी बात रिपीट कर रहा है, कुछ खास नहीं इसमें। अरे ओए क्या टॉकिंग कैट है, टॉकिंग मेरे को रिपीट कर रहा है, कुछ भी हो भाई ये मेरी बात सुनता, मैं इसकी बात सुनता हूँ। आज से मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है ना? आई लव यू। अच्छा बेस्ट फ्रेंड, और हम तीनों कौन है? तुम भी बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये है मेरी, सेकंड तुम हो। ओ कल का ये ड्रावना सा कैक्टस खास हो गया हमसे। भाई ये गिरगिटा यूं पलट जाता है एक रात में। लेकिन भाई देखो ना कितना ड्रावना सा है, कितना मस्त लग रहा है ना थोड़ा। अरे ये सब छोड़ो यार, अरे हम यहाँ पे क्या करने आए थे बताओ ना यार, यहाँ पे खाली चाय पीने थोड़े आए हम। अरे भाई पार्टी कब चालू होगी? पार्टी? अबे यार क्या बकवास करे जा रहे हो, चखना ले आना सिट्टू। ओ क्या कह रही है, चखना ला? 20 साल की पूरी नहीं हुई है, इसके लिए चखना ले आओ, दारू भी लिया तेरे लिए। भाई मेरे को लगता है इसके घर पे ना शिकायत करनी पड़ेगी तब ये मानेगी। बेटा मैं तेरी मम्मी को भी बता दूंगी फिर कि तेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ यार हम यहाँ पे क्या करने आए थे, और वैसे भी हम यहाँ किसकी वजह से आए थे, किसने हमसे कही थी? हाँ तो कोमल अब तू ही हमको बताएगी कि हम यहाँ पे क्या करें, क्या एक्टिविटी करें, क्या गेम खेले, सब कुछ तू ही बताएगी, क्योंकि तूने कही थी कि अलग जगह चलते हैं, अब ले अलग जगह, अब बता क्या करे। एक सेकंड, मेरे पास तो एक मस्त प्लान है। प्लान है क्या? तुमने हॉलीवुड मूवीज देखी है? तो मेरे पास था एक गेम खेलने के लिए है। बता दूं? हाँ बता। अरे बताना। चल छोड़ मैं नहीं बता रही, क्या ही फायदा तुम्हें बता के। ये तो पागल वागल है क्या? हम तेरे बॉयफ्रेंड है क्या तीनों? जब मैं नहीं बता रही पलट जा रही है एक बात में, बेवकूफ। हर टाइम इम्पोर्टेंस है भाई से। तुम्हारे पास ना जिगरा नहीं है इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता रही, तुम एक नंबर के फट्टू हो, तुम डर जाओगे इसलिए नहीं बता। ए, वो क्या जिगरा नहीं है, क्या जिगरा नहीं है? मेरे अंदर मेरे पे शक कर रही है तू? इन गधों पे शक कर लिया, मेरे पे शक करने की जरूरत नहीं है। जिगरा बेटे गांव में शेर कहते हैं मेरे को, शेर। शेर? तेरे को शेर थोड़ी कहते हैं, तेरे को तो कहते हैं वो डरपोक चीता। चीता? हाँ सॉरी ब्रो, चीता चीता ही कहते हैं, चीते। और भाई तुझे सुअर। क्या सर है, मेरी बेइज्जती में लड़की की साइड हो गया तू? सॉरी ब्रो बेइज्जती कर रही है ना, पर चल अपना गेम बता जल्दी अब। हाँ गेम बताना, क्या गेम है? तो देखो अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ ना जिस गेम के बारे में, मेरी बात कान खोल के और ध्यान से सुनना, क्योंकि अब तुम लोगों की फटने वाली है। हाँ
जिस गेम को हम खेलने वाले हैं उसका नाम है सियंस। कब आएंगे फिर ये? कब आएंगी? रसियन नौड़ी गाजियाबाद। अबे वो गधे के बच्चे, वो रसियन नहीं, कह रही है सियांस। सियांस एक गेम का नाम है यार। ओके ओ शिट मैन, वो एक काम, मेरा दिमाग भी ना, तीन चार दिन से रशियन दिमाग में चल रही है, मुझे लगा रशियन बुला रही हो। शिट, जस्ट लाइक ओइजा बोर्ड है ना, ओइजा बोर्ड। भाई कोई गेम का नाम है, मेरे को लगा लड़की का नाम है भाई सियांस, कोई प्यारी सी लड़की। हाँ यार, कितना प्यारा नाम है सियंस, ऐसा लग रहा है स्वर्ग से उतर के आई है लड़की बेचारी। कितनी प्यारी होगी, इसकी आंखें कितनी अच्छी होगी, इसका फिगर कितना हॉट होगा, और लीली आंखों भाई। हाँ। ब्राउन नाउ। अरे बस करो यार, ये लड़की की बातें करने आया हो क्या? तो गेम बताना कौन सी कोमल। देखो फटाफट सुन लो मेरी बात को, सियंस एक नॉर्मल सा गेम है, आई मीन नॉर्मल तो नहीं, हॉरिफाइंग गेम है। इसमें क्या होगा, हम एक रूम में बैठे होंगे जिसमें लाइट्स ऑफ होंगी कमरे की, तीन कैंडल होंगी जिसको हम जला देंगे, अगर हमारे आसपास कोई भूत हुआ तो लाइट्स कैंडल्स सारी बुझ जाएंगी। अब पागल है क्या, ऐसा कुछ नहीं होता कि गेम वेम। अबे भूत कहाँ से आएंगे यहाँ? अरे भाई सही तो बोल रही है, कितना इंटरेस्टिंग गेम है, भूत वाली गेम है, और वैसे भी भूत को तो हमसे प्यार है, मतलब हमको भी भूत से प्यार है, तो गेम खेलते हैं ना। हाँ, अरे भूत तो होता ही नहीं ना, अगर भूत होगा तो कैंडल बुझ जाएगी, तो भूत तो होता ही नहीं है ना, तो कैंडल नहीं बुझेगी, सिंपल। अब मैं नहीं खेल रहा है बकवास गेम। ये क्या बात हुई, जब तुम्हें खेलना ही नहीं था तो तुम्हें पूछना ही नहीं चाहिए था, इसलिए ना मैं तुम्हारे साथ कहीं पे भी नहीं जाती, तुम ना सारे इंटरेस्ट खराब कर देते हो फट्टू कहीं के। रुको यार, देखो सिंपल सी बात है, क्लियर बात है, जिसको ये गेम खेलनी होगी वो मेरे पीछे अंदर आ जाएगा, और जिसको गेम नहीं खेलनी वो यहाँ बैठ के हुक्का पी सकता है। चलो पीऊंगा भाई, हुक्का पीऊंगा, मैं एंजॉय करूंगा, तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ। ऐसे करा अपनी, चल लड़की देख के पलट गए दोनों भाई, ऐसे ही हम तो। भाई ये आवाज कहां से आ रही है, लगता है कुछ गड़बड़े, निकल लेता हूँ। कोमल, कैंडल तो मैंने जला दी, अब बता अब आगे क्या करना है। ठीक है तो देखो, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनना, इस गेम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, वरना दिक्कत हो सकती है। पहला रूल कि जब तक ये तीनों की तीनों कैंडल्स बुझ नहीं जाती, हम इस गेम से एग्जिट नहीं ले सकते। दूसरा कि किसी ने भी अगर खुद ये कैंडल बुझाने की कोशिश करी तो हम तब भी मर जाएंगे। ये क्या बात हुई यार, हैं? अगर कैंडल हम खुद बुझाएंगे तो भूत आएगा, और अगर कैंडल अपना बुझेगी जब भी भूत आएगा। ये क्या बात हुई यार, यार भूत तो आएगा, इसका मतलब ना तूने कहा था भूत नहीं होते। भाई भूत होगा तो आएगा ना, भूत तो है ही नहीं, भूत तो होते ही नहीं। मम्मी क्या कहती है कि भूत नहीं होते एंजल्स होते हैं? हाँ भूत तो होते ही नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, चल फिर कोई बात नहीं, अब स्टार्ट करें गेम। ठीक है तो मैं सबसे पहला सवाल पूछती हूँ, अगर हम लोगों के अलावा इस घर में कोई और है तो प्लीज हमें साइन दो। ओए ये घर थोड़ी है, ये तो वो है फार्म हाउस। चलो ठीक, दोबारा, अगर कोई भी हम लोगों के अलावा इस फार्म हाउस। फूफा का फार्म हाउस होना चाहिए ना। ठीक है तिवारा, लास्ट एंड फाइनल है। ओके, अगर कोई भी हम लोगों के अलावा इस फूफा के घर में है तो हमें साइन दे के एक कैंडल बुझा दो। तू पागल डाला तो नहीं है, तेरी वजह से मेरी जान ना मेरी हालत आ गई थी। अबे तेरे में दिमाग की कमी है क्या थोड़ी सी, मैं अपने प्राण त्यागने वाला था बस। ओ भाई बाहर यार भूतों की आवाज आ रही है, भाई कोई है यार बाहर। अरे पागल, वो भूत की आवाज नहीं थी, वो हम तीनों ही थे, खिड़की से आवाज निकाल रहे थे, और तू डर भी गया। क्या मेरे को पता था तुम ही थे, भूत भूत वैसे भी कुछ नहीं होता। अच्छा वो सब छोड़, खेल रहा है तुम्हारे साथ? अबे चल बच्चा, गेम है ये, खेलूंगा क्या मैं, हुक्का पीऊंगा अपना गज। कोमल इसको छोड़, हम अपना कंटिन्यू करते हैं। ठीक है तो ये लास्ट फाइनल टाइम है, अगर कोई भी इस फार्म हाउस में हम लोगों के अलावा है तो हमें साइन दो एक कैंडल बुझा के। कैंडल कैसे बुझ गई कोमल, ये
इसका मतलब इस घर में कोई ना कोई साया है। सॉरी, मुझे ये गिफ्ट नहीं खिलवानी चाहिए थी, मेरी गलती है। ओए कोमल, अब नहीं खेल रहे, चलो यहाँ से। नहीं, तुम्हें रूल्स रेगुलेशंस याद नहीं है क्या? अगर ये गेम खेलने से पहले तुमने इस गेम को एग्जिट कर दिया तो हम मारे जाएंगे। क्या बात कर रही है तू, पागल है क्या? मेरे को नहीं मरना, मेरे को मरने की जल्दी नहीं है भाई, बोलना इसको। अब क्या कर रहा है ये बता। अब दूसरा क्वेश्चन, जब तक तीनों कैंडल्स खत्म नहीं हो जाती हम यहाँ से हिल नहीं सकते। ये तो नाइंसाफी है यार। चलो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। पूछ। अगर वो भूत हमारे आसपास है तो कैंडल बुझा के जवाब दो। अगर वो भूत हमारी जान लेना चाहता है तो एक कैंडल बुझाकर हमें इशारा दे। यहाँ पे भूत है।